कल्कि अवतार। भगवान कल्कि अवतार की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं से आती है और मुख्य रूप से विष्णु पुराण और भागवत पुराण में पाई जाती है। माना जाता है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, जिनके भविष्य में कलयुग के रूप में ज्ञात अंधकार और भ्रष्टाचार के वर्तमान युग को समाप्त करने के लिए प्रकट होने की उम्मीद है। कल्कि अवतार का जन्म पुराणों के अनुसार भविष्य में शंबाला गांव में पैदा होंगे। उनका जन्म शंबाला शहर में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा होगा और उनकी मां का नाम सुमति होगा। कल्कि अवतार का प्राथमिक उद्देश्य धार्मिकता यानी कि धर्म को बहाल करना और कलयुग में दुनिया पर हावी हो चुकी बुराई और भ्रष्टाचार को नष्ट करना है। ऐसा कहा जाता है कि इस युग के दौरान लोग लालची बुरे व्यवहार वाले होंगे और अपने धार्मिक कर्तव्यों का त्याग करेंगे। कल्कि को देवदत्त यानी कि जिसका अर्थ है ईश्वर प्रदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर सवार बताया गया है। वह अपने हाथ में तलवार यानी कि हथियार धारण करेगा और दिव्य आभूषणों से सुशोभित होगा। वह असाधारण रूप से सुंदर होगा और उसके पास दिव्य गुण और शक्तियां होंगी। जब कल्कि अवतार प्रकट होगा तो वह धर्मी योद्धाओं की एक सेना इकट्ठा करेगा और दुनिया को दुष्ट शासकों से मुक्त करने और व्यवस्था और न्याय को बहाल करने के लिए एक अभियान शुरू करेगा। वह अंधकार की शक्तियों के खिलाफ लड़ेगा और अंततः सत्य और धार्मिकता यानी कि सतयुग का एक नया युग स्थापित करेगा। पुराणों में भविष्यवाणी की गई है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा। वर्तमान युग संघर्ष कलह और नैतिक पतन से चिंतित है। उनका आगमन समय के एक नए चक्र की शुरुआत और अधिक पुण्य युग की सुबह का संकेत देगा। ये सभी अवतार विष्णु भगवान के प्रमुख अवतार हैं, जो उन्हें धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रकट हुए हैं।